और वहीं बात करें यहाँ पर यूके त्रिपरसी की भर्तियों को लेकर, तो यहाँ पर देखते हैं यूके त्रिपरसी में जो है जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है और बताया गया कि 8 परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच के चलते यहाँ पर उठाया कदम और कहा गया है कि दिवाली के बाद जो यहाँ पर साफ होगी भर्तियों की तस्वीर। तो यहाँ पर दिवाली के बाद जो है अब आपका फैसला आ जाएगा भर्तियों में नियुक्ति देनी है या जांच करनी किस तरह करना है। तो इसमें आपके उत्तराखंड में एलटी शिक्षा भर्ती है, कनिष्क सहायक है, दूर शिक्षा पुलिस है, सभी लगभग जो है 8 भर्तियां हैं उन सभी पर फैसला होना है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पर अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने हर महीने महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को जो यहाँ पर होने वाली जन सुनवाई को जो है स्थगित कर दिया है। और आयोग के सचिव के मुताबिक 8 परीक्षाओं की जो है उच्च स्तरीय जांच के चलते यह फैसला लिया गया है। और आयोग के सचिव आर एस रावत की ओर से यहाँ पर जो है सूचना के मुताबिक बताया गया कि आयोग की 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका या तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है या चयन संस्तुति भेजी जानी है। और इन भर्तियों को लेकर जो है 18 अक्टूबर को यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष जे एस मर्तोलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और इस बैठक में यहाँ पर तय किया गया था कि यहाँ पर 8 परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना है। और आयोग के मुताबिक जो है हर महीने के पहले और चौथे शुक्रवार को यहाँ पर जो है शाम 4 से लेकर 5 बजे के बीच में जन सुनवाई में ज़्यादातर सवाल इन्हीं से यहाँ पर जो है जुड़े हुए आ रहे थे। और अब जो है चूँकि यह भर्तियाँ जो है जाँच के अधीन है इसलिए यहाँ पर फिलहाल जो है जन सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। और हालांकि जो है आयोग ने जो है इसकी जो यह भी साफ किया है कि यहाँ पर जो है जो जिम्मेदारी उसके इसके अलग की किसी और समस्या को लेकर आना चाहते हैं तो वह लिखित में अपना प्रतिवेदन आयोग को दे सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और अपना प्रतिवेदन लगाना चाहते हैं लिखित में तो आयोग पर जाकर जमा कर सकते हैं, यह आयोग ने यहाँ पर कहा गया है। और दिवाली के बाद जो यहाँ पर स्थिति होगी भर्ती की तस्वीर, तो यहाँ पर बताया गया दिवाली के बाद जो है आयोग की 8 भर्तियों पर निर्णय होगा। और हालांकि जो है इसमें से 4 भर्तियों को जो है कैबिनेट की बैठक में रद्द करने किया जा चुका है, फिर भी आयोग का कहना यह है कि चूंकि कैबिनेट के निर्णय का कोई लिखित जो है सूचना आयोग को नहीं मिली है इसलिए इन भर्तियों को जो है रद्द नहीं किया गया है। और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है आयोग की उच्च स्तरीय समिति जो कि 15 दिन में जो है अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। तो 15 दिन के अंदर जो रिपोर्ट सौंपनी है जिसमें इसमें एलटी है, कनिष्क सहायक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके एलटी में ही है ज़्यादातर और नियुक्ति की मांग भी उसमें चल रही है। तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पर होनी है।